आए जाओ खिलाएं लल्ला तुमको सोठ वाली पकौड़ी, आए जाओ खिलाएं लल्ला तुमको सोठ वाली पकौड़ी। खाइयो पकौड़ी, खाइयो ऐसी खाइयो। का बात है, लल्ला को बड़ी सोठ वाली पकौड़ी खिलाई जा रही है। अच्छा एक काम करो रज्जू, तुमने तो बहुत लोरी सुना ली, अब हमाओ लल्ला अपने बाप की लोरी सुन के सोएगो। कबू लल्ला के बाप ने भी लोरी सुनी है जो लल्ला को सुनाई है? अरे नाना कैसी बातें कर रही, हमने बहुत कैसी सुनी ना है, अम्मा ने हमें बहुत सुनाई। अम्मा तो छोड़ो, हमें तो पड़ोसी सुना के चलो जाते तो और हम सो जाते थे। ले 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 आज सोएगो, ले ले आजा 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 आदी आदी आदी। बाप की लोरी सुनेगो कि ना सुनेगो? तो को सूरज कहूँ या चंदो, तो को दीप कहूँ या तारो, हम आओ नाम करे गो रोशन। देखो खर्राटी ले रहो। अच्छा बता, हम आओ लल्ला अपनी बाप को नाम रोशन करेगो कि ना करेगो? करेगो कि ना करेगो? अरे करेगो करेगो करेगो, अरे कर दई। अपनो अपनो ही हो तो है। वो तो ही अपनो है, लेकिन तुम तो इतने सालन में भी अपने ना भए। अच्छा तुम्हें सारे हमसे अपनो ही पन्ना लग रहो हैं? ना ना तो जो बताओ क्या करें फिर, ऐसो क्या करें कि तुम्हें विश्वास हो जाए, फांसी पे लटक जाए, क्या करें बताओ? तुम्हें जोन बात पे तुम्हें विश्वास हो जाए बस। ना ना तुम कहे चढ़े हो फांसी पे, तुम तो हमें चढ़ाए दे, तुम तो यही चाहते हो कि हम मर जाए। हाँ जब से शादी करके आए ना तब से मर ही रहे जा घर में। इतनो का ये नाराज हो रहे? दूर हटो, छुओ ना। तुम जैसे ड्रामेबाज इंसान हमने आज तक अपनी जिंदगी में ना देखो है। तुम जो बताओ, इतनो आग और शोला का ही उगल रही, इतनो का ही गुस्सा हो रही, क्या होगा? ज्यादा दूध पीते लल्ला ना बनो। हाँ सबके सामने चिल्लाए दो तुमने हमारे ऊपर, और ऋतिक ने ना हमें सब बताए दो है तुमने काका राम कहानी बेनी को कही है। जो सारो आजकल बहुत चुगलखोर हो रहा हुआ है जो, और तुम छोटी छोटी बातन में। अरे रज्जो तुम ऐसे मामलों में ना फंसो ही ना करो, तुम मामले जैसी हो, शांत शांत कर दियो, शांत हो जा। शांत तो अब हो ही नहीं, ठीक है? जब तक ये साबित ना हो जाए कि जब घर में सबसे ज्यादा गुस्सेल तुम्हारी अम्मा है ना, तब तक कछु नहीं शांत होए। बढ़िया ठीक, बहुत बढ़िया, फैलाओ राय तो फैलाओ ससुर, करो अपने मन की। रायता तो अब फैले, और अगर तुम जे चाहा तो कि रायता ना फैले ना, तो अपनी अम्मा को गुस्सा दिलाओ कैसे भी। अरे दादा कहाँ जिंदगी के भरम जाल में फंस गए, ना जी पा रहे ना मर पा रहे। दीदी तू अब कोई नया बवाल मत खड़ा करना, ठीक है? बहुत मुश्किल से मनाया कमलेश को मैंने। मी प्रॉमिस यू, मी नॉट फाइटिंग दिस टाइम, पक्का। मलाइका, यू टेलिंग कमलेश टू ब्रिंग जयप्रकाश हलवाई स्वीट फॉर मी? झगड़ा सलट गया ना तुम्हारा? हाँ? मैंने कोई बोलने की जरूरत ना है, लेके ही आएगा वो। हाय कमलेश। हाय मलाइका। कमलेश मी सॉरी, me no, I should no, you know, not doing this, not fighting with you, please forgiving me Kamlesh. Chalna maaf bhi kara usne, nahi karegi fir se dobara. Okay Malaika, I'm doing forgiving, but next time I will to not allow. To manne kyu keh raha hai, usne kehna. You remember Kamlesh? Thanks you, you're very lovely. You're very sweet, just like Jayaprakash Halwai Jalebi. Oh my God. Dad, see, I got for you Imarti. How sweet, Kamlesh. You're such a lovely friends. But you are not lovely friend, na? Because without any reason, you're comparing me bad voice. Tumhe lagta hai ki I'm bad voice? No, Kamlesh. Who told you this? You tolding me ki I'm fighter, fox boy, fighting every time. Kamlesh, I'm sorry, me not... No, Malaika, you knowing me na, my nature.
स्मूथ सिल्की बट विदाउट एनी रीजन ब्लेमिंग मी एनी पीपल आई विल तो पनिश हर ना कमलेश यू मीन टू से यू पनिशिंग मी ऑफ कोर्स इफ यू आर डेंजर दरोगा गर्ल नॉट आई विल पनिश यू नहीं मतलब यू सच में पनिशिंग मी एग्जैक्टली अरे यार अभी फिर से मत शुरू हो जाओ यार दोनों मलाइका यू कीप सिटिंग एंड नो कमिंग इन बिटवीन मी एंड कमलेश हाँ कमलेश यू टेलिंग मी यू पनिशिंग मी यू पनिशिंग केट मतलब कमलेश पनिशिंग केट है ना आई स्वेयर आई पनिश यू तो पनिश ना मी आल्सो वाचिंग योर डेयर है और मलाइका मी टेलिंग यू इफ यू पनिशिंग मी ही सिंग्स कमलेश वाचिंग फ्रॉम हिज ओन आईज दैट हाउ केट ब्लास्ट ऑफ हिज किडनी एंड यू गेट आउट फ्रॉम माय हाउस पनिशिंग मी इसको मेरे आने से पहले बाहर निकाल दियो पनिशिंग करेगा मेरे को बट ए क्यों तू सजा देगा तू सरकार है सॉरी मेरा भी एक एटीट्यूड है गो ओ गुस्से लो भेज दो उसको बाहर गया वो तू तो बाहर आ फिर झगड़ा कर लिया कट्टो तेरी चाय नहीं आई आज देख लो बड़े बहू के गुण गाते हो अरे बहू अरे चाय आज मिलेगी कि मंदिर के बाहर जाके बैठ जाए कोई ना कोई तो पिलाए देगो अरे अम्मा तुम कैसी बातें कर रही जा घर में चाय मिलेगी और जरूर मिलेगी अरे हमने चार दाने शक्कर डाल के बनाई बिल्कुल खोलती है पियो मजवा जाएगो शाबाश आजकल लुगाई को काम करने लगो है महारानी क्या कर रही हैं आराम फरमा रही हैं अरे अरे तो अच्छा है ना काम करेगा तो पेट कब होगा इसका अपना पेट देखो हमारे बेटे के पेट पे नजर लगा रहा हो मेरा पेट तो सिर्फ तुम्हें दिखता है इसका पेट सारी दुनिया देखती है लगता है कि दसवां बच्चा ना इसी के पेट से आएगा हंसती भी नहीं हो इतने फालतू जोक मार रहे हो फिर पूछ रहे हैं क्या कह रहे अरे इनकी छोड़ तू पहले जे बता हमने जो तो को काम दो थो वहां का भाव कौन सो काम अरे अपनी लुगाई को गुस्सा दिलानो वालो काम और कौन सो काम अरे अम्मा तुम छोड़ो जी गुस्सा दिलानो जो कौन सा तो काम है इतनो बढ़िया माहौल चल रहा है मस्त माहौल है छोड़ो इते को जे पकड़ अच्छी न बनेगा बहुत अच्छी बनी देख नास पीटे कान खोल के सुन ले आगे से हम आओ हुक्म टारो और छोड़ दो बोलो ना कसम खा के कह रहे हैं जा घर छोड़ के अतबीर भैया के घर बच जाएंगे अरे अतबीर के पास क्या रखा है मैं तो कहता हूँ सीधा मेरे पास आ जा तुम तो शांति रहो वरना नींबू निचोड़ देंगे अरे कब हूँ हमारी तो सुनती ना अरे पिताजी की तो सुन ले करो उनकी भी दिल की ख्वाहिश है सुन लो करो बेचारे तुम्हारे चक्कर में बैठी रहती है 24 घंटा घुइया बैठे रहते हैं फालतू है काम का है इनका और तू भी इन्हीं की तरह जे चाहता है कि हम मर जाए अरे तो सही तो कह रहा है एक दिन सभी को मर रहा है जे कप प्लेट देख रहे हो ऐसा खींच के मारेंगे ना आपके मुंह पे कि चश्मों फूट जाओगे फिर देखते रहियो हमें और तू हमारी बात कान खोल के सुन ले बीवी को गुस्सा दिलानो है का मतलब है गुस्सा दिलानो है वरना तेरी टांगे तोड़ के हाथ में धर देंगे जे, अगर भले का यहाँ होती ना तो तुम्हारा सारा गुस्सा रिकॉर्ड कर लेती ऐसी बातें ना करो हम कचू ना कचू जुगाड़ कर रहे अम्मा के मतलब ऐसा करेंगे कि राजेश को गुस्सा आ जाए बहुत बढ़िया बनाई वह ऐसी बनी जैसे तेरी लुगाई बनाती है अरे छह शक्कर दाने डाल देता तो कहा जातो छह जासे ना डारे
अगर हमने 6 डार दे होते तो फिर अतबीर मामा की जगह तुम इन्हीं के पास पहुंच जाती। अब ज्यादा क्रीम ना लगाओ, जितने गोरे हो ना उतने रहे हो तुम। का होगो रज्जो, हमारे गोरेपन से जल गई का? घुइया, जितने गोरे हम है ना उतनी तुम्हारी अम्मा भी ना है, तो फिर तुम कहां से हुई हो? ना ना, जवाब में तुमने गलत बात बोल दी। अगर तुम अम्मा की बात करोगी ना तो भैया अम्मा तो पूरे घर में हमसे तुमसे सबसे ज्यादा गोरी है। अरे ऐसू का सोचन लगी, हमारो गोरो गोरो मुखड़ो देख के जल गई का? अरे ना ना, हम तो जे सोच रहे हैं कि तुमने बिल्कुल सही कही, अम्मा जो घर में सबसे बड़ी है ना तो समझदार भी वे ही हुई है ना। हाँ ना ना, राजू तो समझदारी की अकेली बात ना है, अगर देखो जाए तो हर काम में भी तुमसे ज्यादा निपुण है, मतलब अच्छी है। अगर खाने बनाने की बात भी सोचो तो खानो भी मतलब तुम भी बनाती हो, लेकिन जब अम्मा बनाती हैं तो आए हाय हाय, मतलब कब बनाती हैं खानों उनको बनाओ, वो इतना स्वादिष्ट होते है, इतना टेस्टी होते है, मन करते है उंगलियां खा जाएं और प्लेट खा जाएं। ये बात तो और सही कही तुमने, हमें तो अम्मा को हाथ को बनो खाना इतना पसंद है ना कि हम कहा बताएं, कभी कभी तो हमारी मम्मी से भी अच्छा बना देती है। हाँ जी का हो रहा है ससुर, जा तो बिल्कुल ही गुस्सा ना हो रही, कहूं जाको सब बात को पतो तो ना चल गो। का सोच रहे अम्मा के लल्ला? हाँ नाना, नाना रज्जू, हम का सोच रहे, हम कछु ना सोच रहे। कछु नहीं सोच रहे? हाँ ऐसो है, तुम इधर इतने आओ तुम, नहीं, नहीं। हमें ना, हमें तुम पागल ना समझो, ठीक है? तुम्हारी अम्मा की चालबाजी हम सब जानते हैं, अकेली अम्मा ही होशियार ना है घर में, हम कितने होशियार है ना, अब हम बताइए उन्हें। अरे जी कैसी बातें कर रही तुम, जी 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 तुम खामो खा गुस्सा कर रही। सग गौ घुइया के खेत में जो नाटक तुम हमारे संगे कर रहे थे ना, अब जाके अपनी अम्मा के संगे करो तुम। जो का कह रही तुम, ज्यादा होशियार बन रहे अपने आप को? हाँ अगर तुमने अम्मा को गुस्सा ना दिलाओ ना तो हम जाइए मायके, लगाते रहियो क्रीम फिर इतने खड़े खड़े। फैल गौ रहे तू, हमें पतो तो सोचो जे ही होगो वो ही होगा। अम्मा की सुने कि बीबी की सुने, हमें लग रहा हुआ सारो हमारी जिंदगी ऐसे ही ड्रामो कर तो बीत जाएगी। हाय राजेश को हपुआ पे शक होगा हो तो ये तो हमारे प्लान पे नींबू नहीं छोड़ देगी, बड़ी चालाक औरत हैगी। इन्हें का गुस्सा दिलाए ससुर, ये तो हमेशा गुस्सा में रहती हैं। ट्राई कर रही अम्मा। राम राम। अरे दादा काहे बुदबुदा रही अम्मा, हैं कोहे चालाक औरत? तेरी लुगाई और कौन, और वाको पूरो खानदान चालाक हैगो, और वाकी अम्मा अवधेश वो तो एक नंबर की चालाक बुढ़िया हैगी। हाँ हाँ सही कह रही तुम, राजेश है चालाक तो है, लेकिन अम्मा एक बात बताएं, आज के जमाने में चालाक होनो भी तो चाहिए, आखिर बात दरोगा है ने गुस्सा बापे जमतो है, लेकिन बाकी अम्मा अवधेश आहा अम्मा कसम से कह रहे गाय है, गाय सीधी है, बहुत सीधी है। अच्छा तेरी लुगाई ने कौन सा मंत्र फूको है तेरे कान में जो तू अपनी सास को चालीसा गा रहा है? मंत्र फूक दो ऐसो का चुना है अम्मा, जो सच है वो बता रहे। अच्छा तो जे मंत्र मारो है नास पीटा, अपनी अम्मा के ऊपर ही प्लान आजमा रो है। का सोच रही अम्मा, तुम बड़ी सोच में पड़ गई। ना 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 कछु ना, हम तो जे सोच रहे कि तू जो कह रो आतो ना एकदम सही है गो, अवधेश ना बेचारी एकदम सीधी हैगी गाय की तरह।
सही कह रही अवधेश जो हमारी सास है असल में बहुत सीधी बाको को उसे मतलब ही ना है ना मोहल्ला से ना पड़ोस से अपने घर के घर में रहनू अपनों खानू अपनों खोजानू तो काय अम्मा वो जलेबी बहुत अच्छी बनाती है आतन में जाने का जादू है अवधेश के उंगलियां चाट जाओ सो तो हाओ 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 यो मम्मी और दादी दोनों घनी चालाक से इन्हें बेरा से कि इन्हें खड़े रह के रिकॉर्ड कर रही हूँ और ऐसे तो दोनों हार मानने से रहे ना स्पीटे हमारो प्लान हम पे ही आज मारा हुआ है ना ना, ना अम्मा ऐसी कछु बात ना है चुप हम तेरे गुर्दे छील देंगे अरे आस्तीन का सांप निकलो मोको ही दस रहो है मजाक ही ना समझी अरे हम तो मजाक कर रहे थे तुम बुरो मान गई हमको बेवकूफ बना रहो है हमारी एक बात कान खोल के सुन ले आज शाम को 6 बजे तक तूने जे साबित करनो है कि तेरी लुगाई राजेश जा घर में सबसे बड़ी गुस्सैल हैगी और जे ना कियो ना तो तू देख लियो हम चले जाएंगे अतवीर भैया के पास अब यहाँ बैठ के छचुंदर सा मुंह क्यों बना रहो जब हर जगह पान खा से? आओ जा रही ससुर ऐसे ड्यूटी भेज रही हम भी देखेंगे कि हमारी बहू हमको कैसे हराएगी तो कितनों बजे को यार 1 मिनट की चैन नहीं है छोटो हाँ हेलो हाँ अरे हाओ पहचान लो छोटो तुम बड़े रिश्तेदार लग रहे हो पहचानो कहो गो अरे यार कह तो रहे पहचान लो तुम लटुरिया के लौंडा भोजा बोल रहे ना तो क्या मैं कौन सी नई बात है ठीक है ना आओ कहो हैं तुम आओ बाप कल से घर ना आओ बताओ सोचो एक इनको बाप है जो कल से घर ना आओ हमारो बाप है जो कब को चलो गो लेकिन घर ही में रहते हुए अच्छा सुनो एक तो यार जो ऐसे टोन में बात ना करो पुलिस वाले को यही काम रहेगा होगा कि तुम्हारे बाप सारे पहुआ ठेकाए और हम ससुर के ड्यूटी छोड़ के तुम्हारे बाप को ढूंढते रहे ना हमारा मूड खराब होगा हट रखो फोन ए ज्यादा हंसी आ रही का आपकी बार हंसो ना सारे जो वाइब्रेट करके मुंह में घुसेड़ देंगे फोन दिमाग खराब होगा यार डॉक्टर साहब झुका ना तू तो पाल लो तुमने और गाड़ी से टकरा गए या गाड़ी आके तुम्हारे अंदर खुद घुस गई बहुत दर्दनाक कहानी है ये आराम से बतानी होगी हाउ हाउ वो तो देखने से ही पता चल रहा होगा कि बहुत बड़ा हादसा होगा तुम्हारे साथ अब हादसा तो हादसा है आज मेरे साथ हुआ है कल शायद आपके साथ हो जाए मैं तो बच गया पर शायद आपका राम नाम सत्य हो जाए डॉक्टर साहब तुम जी थाने में आके जी कैसी मनहूस बातें करते हो कब तो ढंढोरे की बातें कर ले करो एक तो जो दिमाग खाते हुए तुम आ कैसी मनहूस खबर सुनाते हो तुम अपनी बताओ महाराज कौन ने तुम्हें कुत्तन जैसो घसीट के इतनो पेलो बीवी ने बीवी ने मतलब बीवी ने काय मारो काऊ के साथ में तो मैं रंगे हाथों पकड़ लो तो कहाँ लगा रही थी इंजेक्शन नहीं मैंने रंगे हाथों पकड़ा था उसकी मम्मी को फ्रिज खोलकर रसगुल्ला खाते हुए वो शुगर की पेशेंट है ये दृश्य देखते ही मैंने उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर दी बीवी को बुरा लग गया उसने कूट दिया डॉक्टर साहब जो बताओ
जी औरतों को ससुर पर कैसे कंट्रोल करें? अगर ऐसी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी तो मतलब हमेशा अंगारे उगलती हैं, तो कंट्रोल करें तो कैसे करें बताओ? मेरी बीवी तो हंसी के फब्बारे छोड़ रही है। कैसे मतलब काहे? लाफ्टर पिल्स, हंसने की गोलियां, एक गोली खाने के बाद, चाहे कितनी भी गुस्सेल औरत हो ठहाके मारती है। डॉक्टर साहब जो तो हमेशा हंसतो रहे तो जाकिला ने फिर काहे गोली? इसकी तो हंसते हंसते होगी। अब हंस सारे हंसते हंसते हो जाओगे तेरा। डॉक्टर साहब फिर तो एक गोली हमें दे दू, जा हमें सख्त जरूरत है, जाके एक गोली दो। ले लो। पता नहीं कब तुम्हें एम्बुलेंस की जरूरत पड़ जाए। ठीक है डॉक्टर साहब, बढ़िया, बहुत अच्छा काम करो, आपको धन्यवाद। चलो फिर, राम राम। सत्य है।